कंपेयर ही नहीं होता है, ओरिजिनल है, ये नकली नकली है। पहला अलग वो भाई अलग ही मूवी है ये। वन टाइम वॉच, वन टाइम वॉच, दोबारा देख ले। कैसा लगा मैम मूवी? एवरेज अक्षय कुमार के बिना भूल भुलैया नहीं है। आई तो लव कार्तिक आर्यन। कॉमेडी थी, हॉरर थी, सब मिक्स ऑफ ब्लेंड मिक्स थी, मजा आया आपको? क्या लगता है वो सब नहीं पता चला? मस्त पिक्चर है, फैमिली के साथ देखने वाले, फैमिली के साथ देखने आए हैं। अच्छी एकदम एकदम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या लगता है हिट करेगी? अच्छी भी, माधुरी दीक्षित और अपना विद्या बालन। क्या लगता है मैम, ये जो कार्तिक आर्यन को लेने का डिसीजन है भूल भुलैया? हां हां, वो भी अच्छे हैं। हां एकदम सूट, एकदम फीडबैक, एकदम सूट होकर अच्छे हैं। फर्स्ट वाले भूल भुलैया के से, हां अक्षय कुमार से भी ठीक है। हां तो फैमिली का कॉमेडी प्लस हॉरर मिक्स है सब। क्या लगता है जो फर्स्ट वाली भूल भुलैया थी उसको टक्कर दे पा रही है? नहीं उतना नहीं दे पाएगी, लेकिन बट बोल सकते हैं कि हां है। ये नहीं लाइक ये कार्तिक आर्यन को जो फैसला था इनका लेने का भूल भुलैया 2 एंड 3 में, तो क्या आपके हिसाब से अगर अक्षय कुमार को लेते तो ये और ब्लॉकबस्टर और डबल जा सकती थी? अगर अक्षय कुमार को लेते तो लाइक अक्षय कुमार की फिनिशिंग है, मतलब थोड़ी बहुत बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड हाफ, मतलब बोल सकते हैं उसका थोड़ा। इसके लिए तो फैंस के दिल में एक अलग ही जगह है। हां वो फर्स्ट आप बोल सकते हो, फर्स्ट की बात अलग है, लेकिन सेकंड और थर्ड भी दोनों मतलब कंपैरिजन के मामले पर दोनों एक जैसे हैं। कैसे अपग्रेड हुआ है कि नहीं पहले वाले भूल भुलैया? पहले वाले से और अपडेटेड थे, बहुत अपडेटेड थे। मजा आया सर एकदम। हां एकदम कॉमेडी प्लस हॉरर का मिक्सचर तो और ज्यादा अच्छा लगा था इसमें। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में सेकंड हाफ और भी इंटरेस्टिंग था उल्टा। देखिए मूवी तो ठीक ठाक है, पर क्या है कि एक कंसेप्ट होता है, वो जो उन्होंने कंसेप्ट दिखाया है, मैं कोई स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ, पर एक प्रॉब्लम है मूवी के अंदर जो उन्होंने कंसेप्ट दिखाया है। अगर उस पर अगर वो मतलब मेकर जो है वो और डिटेल्स में अगर वो देखते तो जो जेंडर चेंज करने का मतलब ये है उसमें दिखाया है कि जेंडर चेंज करने का, तो उसमें उसके बहुत सारे ऑपरेशन मतलब बहुत सारे जो पुरुष है उन्हें लगा, उनको लगा कि हम लड़की बन जाते हैं, तो ये बहुत सारे लोग मर भी गए उसकी वजह से, तो ये क्यों नहीं दिखाया? अब बात तो सब लोग इक्वलिटी करते, पर अगर भगवान ने कुछ बनाया तो वो सोच समझ के ही बनाया, ये मेकर्स को पता चलना चाहिए। और यार मतलब ठीक है कॉमेडी भी इतनी ये नहीं है, जैसे हम लोग भूलभुलैया 1 को, भूलभुलैया जब 1 अभी भी टीवी पर लगती है हम लोग आराम से खाना खा के वगैरह घर सब लोग देख सकते हैं। कौन नहीं कर रहा है भाई, अक्षय कुमार पूरी दुनिया मिस कर रही है, पर अक्षय कुमार जी एक साल में 5-5 पिक्चर बना रहे हैं, उनको ढंग की एक पिक्चर बनाइए साल में भाई, आप सुपरस्टार हो जाओगे बस। लाइक बट आई थिंक भूलभुलैया अक्षय कुमार के लिए ही बनी है, भूलभुलैया अक्षय कुमार के लिए ही बनी है, भूलभुलैया है, हेरा फेरी 3 है, भागम भाग है, बहुत सारे है, उनके सीक्वल पे ध्यान देने से दे दीजिए ना आप, हमें कुछ भी परोस रहे हैं ताली में, हम गधे थोड़ना है। जैसे आपका जब ऐड आता है कि भाई हीरोगिरी ये करने में नहीं, वो कर रहे, तो हम भी भाई समझदार है, हमको भी मालूम है कि कौन से पिक्चर पे टिकट लेना चाहिए और कौन से पे नहीं देना चाहिए। अभी अक्षय कुमार को, अभी अक्षय कुमार का इतने सारे पिक्चर है, एक भी सीटी नहीं बजी होगी। आज सिंगम आया उसमें जो थोड़ा सा ही रोल है उनका, तो उसमें कितना सीटियां बज रहे हैं, आप ऐसे रोल कीजिए। देखिए सिंगम में मेन थीम जो है वो रामायण का, भाई दिवाली का त्यौहार है तो भाई ऑफकोर्स सिंगम ही सबसे ज़्यादा तगड़ा कमाई करेगा। इसमें थोड़ा सा अलग दिखाया है यार, जो प्रैक्टिकल है वो चीज़ दिखा हो ना, या तो आपको प्रैक्टिकल नहीं लगा? क्यों कैसे लगेगा भाई प्रैक्टिकल, वो कौन सा ऐसा भूत है जो कैसा मतलब बोल, स्पॉइलर भी हो जाएगा चलो, तो ठीक है एक टाइम तक वो सस्पेंस बना रहता है कि भाई ये भूत है वो भूत है चलो ये, और वो जब सस्पेंस हमने निकल के आता है तो वो थोड़ी ना हमको एक ये करता है, और वो चीज़ गलत है पहली बात तो। ये मेकर्स का दिखाने का एजेंडा होगा कि भाई नहीं इक्वालिटी है ये वो ऐसा थोड़ी ना है यार, बहुत है, बहुत बेटर है उससे अच्छा है। आप देख लो वंचना, देख लो वंचना में हॉरर सीन अच्छा है, अरे हिंदी डब किया तो भी कॉमेडी अच्छा है इसमें, तो साला अच्छा अच्छा एक्टर को लेके कॉमेडी ठीक तक नहीं करवा पाए वो लोग। क्या लग रहा है आपको? मतलब कार्तिक आर्यन था ठीक है, अभी दिवाली का त्यौहार है, हाँ मतलब अच्छा करता है बंदा ठीक है, आगे जाके और करेगा ठीक है और भी, पर भाई इतना मेकर्स को भी थोड़ा थोड़ा ड्रेस पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी मूवी बनानी चाहिए।
थोड़ा और डिटेल्स में जाना चाहिए, बहुत सारे साउथ मलयालम मूवी है, तेलुगु मूवी है, उनसे थोड़ा सीख के करना चाहिए, बस नहीं हो रही।